हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। हमारे व्यूवर्स बार बार हमसे एक सवाल पूछते हैं कि पीसीओडी क्या है और थायराइड क्या है। उनको कई बार ये इंटरलिंक लगता है कि थायराइड डिसऑर्डर होना यानी कि थायराइड की बीमारी होना और पीसीओडी होना इज द सेम थिंग, बट ऐसा नहीं है। पीसीओडी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग एंड थायराइड इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। थायराइड की अगर हम बात करते हैं तो गले के अंदर जो एक ग्रंथि होती है जिसको कि थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, और उससे एक थायराइड हार्मोन निकलता है जो हमारी पूरी बॉडी पे काम करता है। बहुत सारी चीजों की फंक्शन को थायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है कि बॉडी का वेट को रेगुलेट करना, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, भूख को रेगुलेट करना और पीरियड्स को रेगुलेट करना। यदि थायराइड के हार्मोन के लेवल में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यानी कि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो सकता है या थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। जब थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा तो टीएसएच का लेवल बढ़ जाएगा। TSH का मीनिंग होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मीनिंग ये है कि ये जो हार्मोन है ये ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहां से निकलता है और ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करता है, जिससे कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है यानी कि एक्साइट करता है थायराइड हार्मोन निकालने के लिए। तो यानी यदि बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल कम है, थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रही है बराबर, तो ऊपर से TSH आता है कि तुमको काम करना है, यानी कि आपको थायराइड हार्मोन बनाना है। तो जब हार्मोन बनना कम होता है तो TSH का लेवल बढ़ जाता है। जब TSH का लेवल बढ़ता है तो हमें थायराइड हार्मोन का बाहर से रिप्लेसमेंट देना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में जो हार्मोन बन रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। और बाहर से एल्ट्रोक्सिन या थायरोक्सिन वाली कोई सी भी गोली आपको खाने के लिए दी जाती है, जिससे कि TSH का वैल्यू वापस नॉर्मल आ जाता है। तो इस तरीके से जब TSH का वैल्यू बढ़ता है तो थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, हमें बाहर से रिप्लेसमेंट देना पड़ता है। और जब बाहर से रिप्लेसमेंट देते हैं तब हमारी बॉडी का काम पूरा होता है। और जब थायराइड हार्मोन का वैल्यू कम होता है तो पीरियड्स आपके ज्यादा आने लग जाते हैं, हैवी पीरियड्स आते हैं, बार बार पीरियड्स आने लग जाते हैं। इसी तरीके से यदि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाता है तो TSH का वैल्यू काफी कम हो जाता है, क्योंकि उसे प्रोडक्शन को कम करना है। और जब थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो पीरियड्स पे तब भी फर्क पड़ता है और पीरियड काफी कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार पीरियड का आना बढ़ जाता है। तो थायराइड इज अ मेजर थिंग जो पीरियड्स को स्टिमुलेट करती है, रेगुलेट करती है, और साथ ही साथ ये बॉडी वेट को भी रेगुलेट करती है। जैसे कि हाइपोथायराइड के अंदर बॉडी का वेट बढ़ जाता है, हाइपरथायराइड के अंदर कम हो जाता है, यानी कि एक बार मोटा हो सकता है आदमी या पतला हो जाता है। कई बार हम लोग बोलते हैं कि ना पतला होने वाला थायराइड है या मोटा होने वाला थायराइड है, तो जो मोटे लोग होते हैं कि हाई मुझे ना मोटे वाला पतले होने वाला थायराइड हो जाए तो मैं भी पतला हो जाऊंगा, बट वो ऐसा नहीं है, ये बीमारी है तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल काम करनी चाहिए। सेम एक पीसीओडी होता है। पीसीओडी का मतलब होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये ओवरी के अंदर होने वाला एक बीमारी है जिसके अंदर अंडे बनते तो हैं लेकिन अंडे फूटते नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें छोटी 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 सिस्ट बन जाती है, जो सिस्ट बन जाती है इसीलिए इसको पॉलीसिस्टिक डिसऑर्डर बोला जाता है। और इसके साथ ही साथ इसमें कई बार वजन का रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और वजन बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर हार्मोन्स इरेगुलेट हो जाते हैं। इसीलिए वजन बढ़ने के कारण और थायराइड में भी वजन बढ़ता है, इसलिए लोग इसको कोरिलेट कर लेते हैं, बट ये बिल्कुल अलग डिफरेंट चीजें हैं। हो सकता है कि एक पेशेंट को पीसीओडी भी और थायराइड का भी प्रॉब्लम हो और वो डबल मोटा हो जाए, ऐसा नहीं होता, वो मोटा उतना ही होगा जितना उसको होना है। लेकिन पीसीओडी डेफिनेटली, अगेन लीन एंड थिन पीसीओडी दोनों होते हैं, और थायराइड में भी दोनों डिसऑर्डर होते हैं, लीन एंड थिन थायराइड डिसऑर्डर दोनों प्रकार के दोनों में होते हैं। अब पीसीओडी में यदि आप ओबेसिटी है, वजन ज्यादा है, और अगर आप वजन कम कर लेते हैं तो आपका पीसीओडी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। और ये इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड होता है, इसमें डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि पीसीओडी है तो आपको थायराइड डिसऑर्डर होगा, लेकिन थायराइड डिसऑर्डर है तो आपको पीसीओडी हो सकता है, और पीसीओडी हो तो आपको थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है। तो इनको कंफ्यूज ना कीजिए, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, दोनों का अलग अलग रेमेडीज है, अलग अलग जांचें हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट है। एक पर्सन को थायराइड और पीसीओडी दोनों साथ साथ हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, और दोनों का अलग अलग हमें ट्रीटमेंट लेना होता है। अब यदि पीसीओडी है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको उसका ट्रीटमेंट देंगी और आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं, कुछ योगा, कुछ वॉकिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, और कुछ आपको डाइट प्लान दिया जाता है, और साथ में हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। और यदि थायराइड का प्रॉब्लम है तो आपको थायराइड को रेगुलेट करने की मेडिसिन दी जाती हैं, और दोनों साथ हैं तो दोनों की मेडिसिन दी जाएंगी। तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया कि थायराइड अलग चीज है, पीसीओडी अलग चीज है, दोनों से कंफ्यूज बिल्कुल ना कीजिए, दोनों साथ हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, और पीसीओडी में डायबिटीज होने की संभावनाएं हो सकती है।